लास्ट वीडियो में बेटा हमने बात की थी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के डेफिनेशन को हमने समझा था, और इस वीडियो में हम उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड सेकेंड इज मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो फर्स्टली हम बात करते हैं बेटा मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्लियर? ये मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉयलिंग क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर are formed by those non-ideal solution which shows positive deviation from Raoult's law। कैसा deviation show करते हैं बेटा? Raoult's law से positive deviation show करते हैं, and at a certain composition and at a certain composition have higher vapor pressure than that of the more volatile component। And at a certain composition have higher vapor pressure than that of the more volatile component। ठीक है, एग्जाम्पल हैं इनके। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ H2O एंड इथेनॉल। एक टेबल बनाते हैं बेटा, इसके बाद टेबल से कंपेरिजन करके हम बात करेंगे। देखिएगा बेटा, ये एक टेबल है, टेबल है आपकी किसकी? मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की। मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसमें क्या है, ये कंपोनेंट ए और बी हैं। कंपोनेंट ए और बी दोनों को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। कंपोनेंट ए सपोज कीजिए मैंने H2O लिया हुआ है, H2O के साथ कंपोनेंट बी है जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। मास परसेंटेज ऑफ बी, मास परसेंटेज ऑफ बी, तो इसमें आपका रहेगा 95.57%। मैंने क्या लिया हुआ है? इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है। अब बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, तो प्योर ए यानी कि वाटर का प्योर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। इथेनॉल का कितना होता है बेटा? 351.3 केल्विन, क्लियर? और अब जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके इनकी वेपर बना करके उसे कंडेंस करके लिक्विड में चेंज करता हूँ, तो उस जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज 351.15। यहाँ पे देखिएगा 351.3 है ये, और ये 351.15 है, यानी कि जो दोनों कंपोनेंट हैं उन दोनों कंपोनेंट से क्या है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, वो दोनों से क्या होता है? कम होता है। इसीलिए इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना? क्लियर? इनके अलावा और भी
मिक्सचर हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ H2O एंड प्रोपेनॉल CH3 C3H7OH, ये भी हमारे पास है। ये मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस C2H5OH। तो ये जो मिक्सचर है ये सब हमारे पास क्या है, एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के। ओके बेटा।